कैसे करें उसे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस क्यों होते हैं तो चलिए इस बारे में बात करते हैं आजकल कर की हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी हो गई है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता आप किसी से भी पूछ लीजिए चाहे वो वर्किंग मॉम हो न्यू मॉम हो मिड टीन एज हो या एक प्रेग्नेंट लेडी हो कि आपने आज के दिन में ही अपने लिए क्या करा तो शायद मेरी ही तरह आप ही की तरह उनके पास भी बहुत सारे बहाने होंगे कि हम बहुत बिजी थे हम अपने बच्चों का अपने हस्बैंड का अपनी फैमिली का अपने और भी कामों का सब कुछ करना पड़ता है काम करने पड़ते हैं तो इस वजह से हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग इतने ज़्यादा कभी कभी थक जाते हैं कि मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के दो दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ और इनमें मैं भी हूँ ऐसा नहीं है मैंने जब बताया था कि मैं ऋषिकेश जा रही थी और मैं बहुत डेस्परेट थी एक वैकेशन के लिए वो घूमने वाली वैकेशन नहीं थी वो अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा हटने वाली वैकेशन थी कि बस यार कहीं जाओ और कुछ करो मत बस थोड़ा अकेले रहो उस पॉइंट पे मुझे समझ आया कि खुद को टाइम देना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है बहुत बेसिक सी कोटेशन है जो आपने सुने होंगे यू कैन नॉट पोर फ्रॉम द एम्प्टी कप अगर आप खुद ही खाली हो तो आप किसी को कहाँ से प्यार अटैचमेंट रिलेशनशिप या आप वो सारे रोल्स जो कि आपके हैं वो कैसे फुलफ़िल कर पाओगे एक जो नर्चरिंग है एक रिलेशनशिप की आप वो फुलफिल कैसे कर पाओगे जब आप खुद ही मेंटली या इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो तो आज की वीडियो यही है कि अपने आप को हम डी स्ट्रेस कैसे करें सबसे पहले स्ट्रेस बहुत नॉर्मल है लाइफ चलती है लाइफ गोज ऑन लाइफ चलती रहेगी अगर सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी इसीलिए एक्सेप्ट करो कि स्ट्रेस रहेगा आएगा बट आप कोशिश ये करो कि स्ट्रेस कम आए रादर ना आए पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि आप स्ट्रेस हो आप फ्रस्ट्रेटेड हो अगर आप खुद में इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हमको सब कुछ पता होता है कि आज हमारे बच्चों के लंच में क्या जाएगा हस्बैंड रात को आके क्या खाएंगे हमारी और फैमिली मेम्बर्स का क्या क्या कैसे कैसे ध्यान रखना है बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा खुद का मन क्या कर रहा है हमारा खुद का मन क्या कह रहा है तो अपने मन की सुनो अपने आप को इतना टाइम दो कि आपका मन आपसे बात कर पाए तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि पहले एक्सेप्ट करो कि आप परेशान हो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप परेशान हो तब तक आप अपने आप को उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाओगे जिस वजह से आप परेशान हो इसका सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छी ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका नाम है ब्रेन डंपिंग कुछ नहीं करना खाली बैठो नो फोन नो सोशल मीडिया नो ड्रिस्ट्रैक्शंस खाली बैठो एक कॉपी पेन लो एक रूम के अंदर उस कॉपी पेन में उस मोमेंट पे आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है किसी के लिए गुस्सा किसी के लिए नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए फ्रस्टेशन किसी के लिए कुछ भी आपको ये हो रहा है कि यार मैं दस दिन से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने ऑयलिंग नहीं की या मैंने कुछ भी वाई जेड नहीं किया जो थाट्स उस टाइम आ रहे हैं वो थाट्स लिखो जब आप कॉपी पेन रखोगे ना लिख कर, आपको इतना लाइट और इतना हल्का फ़ील होगा जो शायद आपने कई महीनों में कई सालों में फ़ील ना करा हो क्योंकि वो सब कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ना भरते जा रहे हैं और आप उन्हें खाली नहीं कर रहे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में हम कहीं बोल नहीं पाते और कहीं कुछ बोलना नहीं चाहते जो मैरिड है वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कहीं कहीं हम बोल नहीं सकते और कहीं कहीं हम बोल नहीं पाते बहुत गहरी बात है ये समझो तो तो उस चक्कर में क्या होता है हम अपने ही अंदर घुटते से रहते हैं अपने ही अंदर परेशान होते रहते हैं उस चीज़ से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं सबसे पहला बेनिफिट है अगर मान लो मैं किसी से गुस्सा हूँ और मैं उसका गुस्सा कॉपी पेन पे उतार रही हूँ तो मैं उसे बोल नहीं रही हमारी लड़ाई नहीं हो रही सामने से मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा कि अगर आप ऑब्वियसली है आप किसी से लड़ रहे हो तो आपको सामने से भी सुनने को मिलेगा तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो सामने वाले को पता नहीं चल रहा और आप मेंटली सैटिस्फाइड फील कर रहे हो ये है ब्रेन डंपिंग का मैजिक ब्रेन डंपिंग मतलब अपने दिमाग में जो भी है उस टाइम आप उसे डंप कर दो कॉपी पेन पे ये शायद मैं बहुत सालों से कर रही थी बट मुझे इसका जो टिपिकल नाम है वो भी एक डेढ़ महीना पहले ही पता चला कि ऐसा करके भी कुछ होता है और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है आप जब किसी के साथ गुस्से में होते हो या फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो अनोइंगली अनकॉन्शियसली आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचाएगी सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए ब्रेन ड्रम्पिंग को यूज़ मत करो आप बैठो अपने साथ बिना किसी मोबाइल के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तो आप खुद को भी बेहतर तरीके से जानोगे एक दिन गुस्सा आएगा किसी भी दो दिन आएगा तीसरे दिन ये लगेगा यार मैं इसी पे गुस्सा करते वक्त अपना मतलब सारा ये प्रेशियस टाइम निकाल दूँ मैं कुछ अपने बारे में सोचती हूँ कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ कुछ अपने गोल्स के बारे में सोचती हूँ Uh, उसके बाद आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानोगे कि आप किसी से जेलस फ़ील कर रहे हो किसी से इंफीरियर फील कर रहे हो किसी से कॉम्प्लेक्स फील हो कर रहे हो आप आप किसी से कॉम्प्लेक्स फ़ील कर रहे हो ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में हमसे बेहतर एक इंसान हमारी लाइफ में ज़रूर होता है जो कि हमसे बेहतर होता है तो उससे जलन भी होती है कभी कभी गु़स्सा भी आता है कि मैं उसकी जगह क्यों नहीं हूँ ये सारे थॉट्स ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग की बजाय उस कॉपी पेन पे होगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा ऐसा लगेगा कि आपने अपने मन की बात किसी दोस्त के साथ शेयर करी है बट हाँ उस कॉपी की केयर करनी आपकी ज़रूरत है मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी के बारे में बहुत गलत गलत लिख रहे हो और वो बंदा आपकी डायरी पढ़ ले तो इस चीज़ को ध्यान रखना कहीं आप ये बाद में बोलो कि मेरी वजह से घर में कलेश हो गया ठीक है तो उस डायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है चाहे आप कॉपी पेन पे लिख के फाड़ दो या जला दो जब भी मेट वाले सीन याद आ गया मुझे तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है इससे पता है क्या होगा इससे ये होगा कि आपका दिमाग आपके मन में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी तो फिर आप पॉजिटिव वाइब्स को पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे एक बहुत ऑब्वियस सी बात है ना आपको कोई रूम साफ़ करना है आप वो रूम को साफ़ कैसे करते हो जो चीज़ें जहाँ फैली हुई हैं उसी को उठा के वहीं साफ करके वापस रख देते हो या आप पहले उस रूम को खाली करते हो फिर उस हर सामान को साफ़ करते हो जो कि उस रूम में था और फिर उसे अपनी जगह पर लगाते हो आपको अपने दिमाग के साथ ऐसे ही करना है पहले अपने दिमाग को खाली करना है सारे नेगेटिव थॉट्स सारा कचरा सारा सब कुछ बाहर निकाल दो उसके बाद अपने दिमाग को आपने एक एक पॉजिटिव वाइब से एक एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से एक एक पॉजिटिव एफर्मेशन से ख़ुद को भरना है इससे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बेतुकी बात है या बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं होगा फालतू बात है आप दो दिन ट्राई करके देखो ब्रेन डंपिंग के ट्रिक को तीसरे दिन आप रह ही नहीं पाओगे इसके बिना और मैं रोज़ नहीं करती ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आया तो मैं एकदम से रूम में भाग जाती हूँ कॉपी पेन ले लेती हूँ नहीं कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं तो ये तब काम आती है ज़रूरी नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो तो आप एक हफ्ता रोज़ करो आपको सेवनथ डे ही अपने अंदर मतलब जो चेंज दिखेगा वो आपने सालों में नहीं देखा होगा आपको जब सूट करें आप वो ये तब करो दूसरा पॉइंट है मेरा एक्सेप्ट करो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर बना दी है आप खुद भी मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो बट सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में हमारे लाइफस्टाइल में एक सर्टेन क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं है ना तो बेकार है सोशल मीडिया रियल नहीं है जिन परफेक्ट कपल्स को आप बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ और रील्स बनाते हुए देखते हो उन्होंने आपस में डिवोर्स भी फाइल कर रखा होता है मेरे कहने का मतलब है जो कि आपको सोशल मीडिया पे दिखता है वो एक्चुअली में नहीं है जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा खुश बहुत ज़्यादा सब कुछ देखते हो वो प्रॉपर स्क्रिप्टेड होता है वो अपना बेस्ट लाइफ की हाईलाइटेड मोमेंट्स आपको दिखाते हैं जो सच्चाई है वो उनके अलावा और कोई नहीं जानता सोशल मीडिया में लोग घूमने जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे लोग अपने अच्छे अच्छे कपड़ों की, अच्छे की या अच्छी अच्छी शॉपिंग की फ़ोटोज़ या वीडियोस डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब आपको भी करना है हम लोगों ने अपने ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना लिया है उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने का कि अगर कोई हफ्ते में महीने में दो तीन बारी घूमने जा रहा है तो हमें भी पिक्चर्स पोस्ट करनी है आपने कभी अपने हस्बैंड से अपने फ़ैमिली मेम्बर से ये बोला है कि फ़ेसबुक पे बहुत लोग घूमने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोग घूमने जा रहे हैं हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे देखो ये वहाँ चली गई ये वहाँ चली गई ये वहाँ चली गई मैं तुम तो मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे अगर आपने ये नहीं बोला तो ऐसा तो ज़रूर बोला होगा कि ये फ़ोटो अच्छी आई है इसे डी ज़रूर लगाई हो ये फोटो बेकार आई ये इसे डिलीट कर दियो नहीं तो लाइक्स या व्यूज़ नहीं आएंगे सोशल मीडिया का जो क्राइटेरिया हमारे दिमागों में सेट हो गया है उससे बाहर निकलो अगर कोई दस हज़ार रुपये की शॉपिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसे नीचा दिखाने के लिए ग्यारह हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी है ये चीज़ भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है कि हम हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों के लाइफ से पॉजिटिवली या नेगेटिवली कंपेयर करते रहते हैं कि हम किससे बेहतर हैं और किससे बुरे हैं तो इनसे बाहर निकलो आप यहाँ पे ये कहोगे कि सोनम तुमने इंस्टाग्राम और फेसबुक की तो बात कर दी यूट्यूब पे ख़ुद वीडियोस बना रहे हो इसलिए बात नहीं कर रहे नहीं आप वो कंटेंट देख रहे हो जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है जैसे कि मेरे कंटेंट से तो आपका बेनिफिट हो रहा है अगर आप उन चीज़ों को देख रहे हो कि यार इसके पास गुची का पर्स है इसके पास इस चीज़ का पर्स है या ये ब्रांड का मेरे पास नहीं है उस वजह से आप क्रेडिट कार्ड से या किसी भी चीज़ से या कोई भी अनहेल्दी हैबिट है कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके हेल्थ के लिए गलत है और आप वो कर रहे हो एक पीयर प्रेशर के चलते ये सब चीज़ें आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़्यादा होती है कि मैं कहाँ घूमने गया मैंने कौन सा क्यूजीन ट्राई किया मैंने क्या करा मैं फ़ाइव स्टार होटल में गया तो ये जो कंपैरिजन है ये यूट्यूब में कंपैरेटिवली कम है जब से शॉर्ट्स आया फिर भी थोड़ा बहुत हो गया है यूट्यूब पर लोग या तो एंटरटेन होने आते हैं या एजुकेट होने आते हैं या हम जैसे लोगों को सुनने आते हैं जो कि ज्ञान बांटते हैं फ्री में बट इंस्टाग्राम और फेसबुक में थोड़े वेले लोग भी हैं uh, मैं भी हूँ इंस्टाग्राम पर फ़िलहाल एक्टिव नहीं हूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टेंस रखो कि अपनी वर्चुअल लाइफ को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर मत करो किसी की वर्चुअल लाइफ को जो आप जिनको आप पर्सनली नहीं जानते जिनकी लाइफ के बारे में जिनके बारे में आपको पर्सनली नहीं पता उनको इंस्टाग्राम पे देखकर या उनको फेसबुक पे देख के ये मत को यार काश हमारी लाइफ ऐसी होती है क्योंकि आप अपने लिए एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी खुद ही ला रहे हो कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है सामने वाले की अच्छी है तो फिर आप ऑलरेडी स्ट्रेस में चले जाओगे तो इस चीज़ को कम करो तीसरा और बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है हमारे स्ट्रेसफुल रहने का हर चीज़ के लिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम परेशान क्यों हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि आप क्यों हो फ्रस्टेड आपकी फाइनेंशियल uh, सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उन्हें ठीक करो आपकी इमोशनल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उस बंदे से कन्फ्रंट करो आपकी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकेटेड हेल्प चाहिए तो आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलो जब तक आपको आपका रूट कॉज पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हूँ तब तक आप उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में किसी के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हो तो उसे बंद करो अगर आपको लग रहा है ना कि ये कंपैरिजन मतलब मैं नहीं बंद कर सकती वो कोई ऐसा फ़ैमिली मेम्बर है जो ज़िंदगी भर आपके साथ है सामने है तो कोशिश करो कि उसके लेवल तक जाओ पर एक अच्छे तरीके से उससे चिड़के नहीं अगर आपको लग रहा है कि वो फाइनेंशियली आपसे स्ट्रॉन्ग हैं तो कुछ ऐसा करो जिनसे आप उनके बराबर या उनसे ऊपर जाओ रादर ये करने से कि ये तो इतनी कामयाब हो गई इसने तो ऐसा ही ये सब अचीव कर लिया इसने तो अभी गोल्ड का सेट बनवा लिया इसने तो ऐसा कर लिया इसने तो ऐसा कर लिया ये कंपैरिजन करने से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हो अगर आपको करना ही है तो एक हेल्दी कंपैरिजन करो अगर आपको लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन उन तक बेटर बना सकते हो तो बनाओ आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी फ़्रस्ट्रेशन है ये फिजिकल है किसी इंजरी या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इंटरनल है अपने थॉट्स या इमोशन की वजह से या सिर्फ ये है कि आपको इस सामने वाले बंदे से बेहतर बनना है एक फ्रस्ट्रेशन वो भी होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ैमिली में आपकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि सामने वाले बंदे की है तो उन चीज़ों पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा उस उसको समझो उसके कॉजेज़ समझो अगर आप अपने साथ बैठोगे तो आपको पता है कि कहाँ आप सही हो कहाँ आप गलत हो आप अपने साथ बैठो शांति से कॉपी पेन लो और उस चीज़ को जब आप लिखना शुरू करोगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता था बट मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं गलत हूँ चौथा स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है जो कि हमें नहीं करना चाहिए वो है हर चीज़ को परफेक्ट करना यानी परफेक्शनिस्ट बनना ये मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा है मुझे हमेशा ऑर्गेनाइज रूम रहता था मेरा शादी के बाद भी शादी से पहले भी मेरे घर पे ये बोला जाता था कि अगर ये घर पे नहीं है ना और इससे कुछ सामान पूछना है तो आपको ये ये बता देगी कि कौन से ड्रॉर में कौन सी जगह पे वो सामान रखा है और हिदांशी के बाद जब मैं एक मदर बन गई बहुत सारे चेंजेस आए तो कितनी बार ऐसा होता था रूम बहुत गंदा रहता था मैं इजिटेड रहती थी मैं फ्रस्टेड रहती थी और मेरे को ये लगता था कि पता नहीं मैं कचड़े से मैं रह रही हूँ मेरे को ये भी लगना शुरू हो गया था कि मुझे ओ है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ये परफेक्शनिस्ट वाले टैग को हटाना पड़ता है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं अब जी के बाद फिज़िकल मेंटल इमोशनल बहुत चेंजेस आए हैं तो नहीं पड़ती हिम्मत पूरे पूरे दिन उसके साथ रहने के बाद तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा इरीटेड हो जाती थी बट फिर एक दिन आया मेरे को गौरव ने समझाया कि यार तू ऐसे परेशान रहेगी तो कैसे चलेगा बच्चा है वो उधर जगह खिलौने गिरगी वो दस जगह सारे काम करेगी तो दस बारी संभालेगी तू थक जाएगी तो क्यों ना उसके खेलने के बाद एक ही बारी संभाल लो जिससे तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगे और तुम्हें लगे कि चलो दो घंटा बच्चा खेल तो रहा है ये बहुत छोटी सा एग्जाम्पल है मेरा बट इसने मेरे को मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेट कर रखा था तो फिर जब एक पॉइंट के बाद मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि यार बच्चों वाले घर में थोड़ा बहुत गंदगी होती है थोड़ा बहुत सामान फैला रहता है तो इसने मुझे काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस फ्री होने में हेल्प करा क्योंकि अब मैं हिजांची के पीछे इसलिए नहीं भाग रही थी कि वो सामान फैला रही है किचन में से बर्तन फैला रही है मैं इसलिए भाग रही थी कि मैं उसके साथ खेल रही थी दस काम एक साथ मत करो मेरी आदत हमेशा से ये है कि अगर आ, मल्टी टास्क में कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं पाँच से छः काम एक साथ कर सकती हूँ यानी मैंने शादी से पहले और शादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक साथ करे हैं बट हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बच्चे के बाद हिरझांची के साथ मैं एक काम भी टाइम पे कर लूँ तो वो बहुत बड़ी बात है उस चीज़ का मैं अपने ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी कि मैं अब मतलब कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पा रही क्योंकि आपको दस जगह हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है लाइफ है घर है फैलेगा कभी कभी गंदा होगा आपका थोड़ा काम भी छूटेगा आपकी थोड़ी वीडियोस भी नहीं बन पाएंगी आप थोड़ा सा अपने काम से भी एक दो महीने का डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे तो अपने पे मेंटल लोड मत लो अपने करियर को इम्पॉर्टेंस दो पर ये जो नया फेज़ है आपकी लाइफ का ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा ये जो पहले के दो तीन साल होते हैं ना बच्चे के ये रोज़ एक नया एक्सपीरियंस रोज़ एक नया मेमोरी आपके साथ लेके आते हैं अगर आप इसको सिर्फ अपनी फ्रस्टेशन में या परेशान होते हुए निकाल दोगे तो आप इसे कभी एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे तो आज के लिए इतना ही ज्ञान मैं सही में इस चीज़ को बोलते बोलते भी समझ पा रही हूँ कि वाह यार मैंने इतना सब कुछ कैसे कर लिया और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से वीडियो देख लेना पूरी और सब्सक्राइब भी करना देखो आप सब्सक्राइब नहीं करते ना तो मेरे को बहुत हर्ट हो जाता है लोग आते हैं देखते हैं चले जाते हैं ऐसे कैसे चलेगा सब्सक्राइब करना मेरे आने वाली वीडियोस अगर आपको देखनी है तो साइड में बेल आइकन होगी उसे दबा देना मैं मिलती हूँ आपसे अगले ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे तब तक के लिए बाय